बेगूसराय जिले में नगर निगम द्वारा अब रात्रि में भी विभिन्न नगर निगम क्षेत्रों में सफाई का काम किया जा रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि अब नगर निगम क्षेत्रों का सुंदरीकरण होने जा रहा है। बताते चले कि नवनिर्वाचित मेयर पिंकी देवी और उप मेयर अनिता देवी साथ में वार्ड पार्षदों के आने से यह मुमकिन हो सका है। कर्मी विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों पर झाड़ू लगाते देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ नगर निगम कर्मी ने बताया कि हम लोगों को रात के 12 बजे तक ये कार्य करना है। वहीं जगह जगह से कचरा उठाकर उनके निर्धारित जगह पर रखना है। इस तरह के कार्य देखकर नगर निगम क्षेत्र के नगरवासियों को बहुत ही खुशी का इजहार करते हुए देखा गया है। वहीं नगर निगम कर्मी ने बताया कि पावर हाउस से लेकर कर्पूरी स्थान चौक तक, स्टेशन रोड से लेकर गांधी चौक तक, अन्य बाजार के जितने भी स्थान हैं, उन जगहों पर रात्रि में ही सफाई का कार्य कर लिया जाएगा। वहीं साथ ही साथ जिससे दिन भर का कचरा उठने से सुबह सभी दुकानदारों को एवं राहगीरों को कचरा और दुर्गंध से निजात मिलेगा। बिहार के बेगूसराय से अंशु कुमार की रिपोर्ट। यानी कि स्टेशन रोड, गाछी टोला और भी क्षेत्र में कर्पूरी स्थान, पावर हाउस चौक से कर्पूरी स्थान, हरण महादेव चौक से काली स्थान, काली स्थान से खातोपुर। अभी कहाँ से शुरू किए हैं? अभी तो यहाँ से शुरू किए हैं, और गेम है। अच्छा, और आदमी है। लगभग कितना वार्ड में, लगभग अभी नगर निगम क्षेत्र में कितना अभी सफाई कर्मी रात में निकला होगा? रात में तो 20 गो है, झाड़ू वाला, कचरा वाला। अच्छा, झाड़ू और कचरा दोनों साथ में ही है, चल रहा है। 20 गो है और गाड़ी पर भी है। सिर्फ रात में ही आप लोग को ड्यूटी दिया जाता है या दिन में भी दिया जा रहा है? सिर्फ रात में। सिर्फ रात में, यानी कि सुबह का ड्यूटी किसी और कराता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लगातार काम कर रहे हैं और हम नगर निगम के महापौर को भी धन्यवाद करते हैं, जो जिस तरह से अब लगता है बेगूसराय को स्वच्छ, सुंदर और नगर निगम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से रोड पे एक भी कचरा आपको नज़र नहीं आ रहा है।